हेलो दोस्तों, लास्ट ईयर मैं गई थी पेरिस और टुलूज़, और जहाँ से मैंने परचेस किए थे कुछ मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहला है ये NYX प्रोफेशनल मेकअप अल्टीमेट एडिट का ये पैलेट। इसके सारे शेड बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड हैं और इसमें हैं 3 मैट और 3 ग्लिटर शेड्स जो कि डे टू नाइट लुक के लिए परफेक्ट हैं। आई थिंक डिस्काउंट के बाद मैंने इसे 3 से 4 यूरो में लिया था। नेक्स्ट आई ट्राइड माई हैंड्स ऑन इन दिस मेबली न्यूयॉर्क बेबी स्किन इंस्टेंट पोर इरेजर और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। फ्रांस में काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है नेम्ड इरोशे और जहाँ से मैंने परचेस किया था रोज एलिक्जर ग्लॉस और अदर मेकअप प्रोडक्ट्स। इट्स अ प्रिटी पिंक लिप ग्लॉस जिसको आप डायरेक्टली और लिपस्टिक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लुक देता है। उसी स्टोर से मैंने परचेस किया था दिस आई शेडो स्टिक इन द शेड रोज नूड। इट्स अ प्रिटी शैम्पेन कलर आई शेडो स्टिक जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है लगानी, लाइक ये इन योर इनर कॉर्नर्स या फिर उसको आप एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो ऑन टॉप ऑफ सम मैट शेड्स एंड आई रियली लव्ड इट। इट कैन बी यूज एज अ हाईलाइटर एज वेल। मिलानो फ्रांस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर और अफोर्डेबल ब्रांड जाना जाता है एंड दैट्स व्हाई आई ट्राइड माय हैंड्स ऑन सम ऑफ द लिप ग्लॉस क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लिपस्टिक्स थी तो मुझे ये वाला शेड ट्राई करना था जो कि वहाँ की जो अटेंडेंट्स होते हैं उन्होंने लगाया हुआ था। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या फिर लिपस्टिक के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। नेक्स्ट आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस NYX आई शेडो लिक्विड आई शेडो। ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट परचेज था वहाँ का और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ग्लिटरी नहीं है, बहुत सटल लुक देता है। आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और विद आई शेडो के साथ अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन मिंत्रा एंड दिस इज़ इन द शेड मैंगो मोमेंट। ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक ये मैंने 7 to 8 यूरो में परचेज़ किया था। उस टाइम पे वहाँ पर सेल भी चल रही थी सो मैंने मुझे ट्राई करना था एंड आई एम इन लव विद इट। इसको आप इनर कॉर्नर्स में भी आई के अप्लाई कर सकते हो या फिर एज अ लिक्विड आई शेडो तो है ही है ये अप्लाई करने के लिए, बट आई लव दैट। पेरिस रेलवे स्टेशन पे जब मैं अपनी TGV का वेट कर रही थी देन एक्सप्लोर दिस ब्रांड कॉल्ड एवरिल। दे क्लेम्स दे आर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सर्टिफाइड बायो एंड मैंने ट्राई किया ये लिप क्रेयॉन। इट्स अ मैट लिपस्टिक पेंसिल इन द शेड ग्रेनाडिन। आई डोंट नो मैं सही से इसको प्रोनाउंस कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, बट इट्स अ प्रिटी प्लम शेड जो कि आई थिंक डिनर के लिए या फिर इवनिंग इवेंट्स के लिए परफेक्ट है। इट्स अ मैट लिपस्टिक बट इट्स अ नॉन ड्राइंग लिपस्टिक और इसका स्टे काफ़ी अच्छा है। इट्स नॉट अ नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक बट इट्स स्टे टिल लॉन्ग। अदर देन दैट आई ट्राइड माई हैंड्स ऑन दिस वेरी पॉपुलर ब्रांड कॉल्ड अडोप्ट और इसके जो परफ्यूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, फेमस हैं फ्रांस में। आई एम नॉट श्योर इन द एंटायर फ्रांस बट इन टुलूस। सो मैंने वहाँ से कुछ परफ्यूम्स ट्राई किए थे जो कि आई थिंक 7 to 8 यूरोज में आ जाते हैं। दे हैव अ वराइटी ऑफ फ्रेगनेंसेस देयर तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में उन्होंने मुझे इसको दिया था एंड मैंने वहाँ से कुछ मेन परफ्यूम्स कुछ फीमेल परफ्यूम्स ट्राई किए थे और परचेज किए थे। दे हैव माइल्ड फ्रेगनेंस एंड इट लास्ट लॉन्ग बट इट्स नॉट सो मच सूटेबल फॉर इंडियंस बिकॉज ऑफ यू नो द ऑर्डर और सम अदर रीजन्स, बट दे आर वेरी इनएक्सपेंसिव फॉर देम बट इट्स अ वेरी गुड फॉर अ गिफ्टिंग एज वेल। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूँगी। बाय बाय।